अस्सलाम वालेकुम, ये मेरा ट्रैक्टर है MF 385 2017 मॉडल। माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। हमने इसका बम्पर भी खुद बनवाया है। चेलियाँ वाला स्टेशन, मिस्त्री मोहम्मद आज़म मुगल, उससे हमने ये बनवाया है। और ये स्टर्न टाइम पम्प में है, जो कि आम हजरात जिससे डरते हैं कि ये यार स्टर्न पम्प में है और ये नुकसान करता है, ये ऐसा करता है, ये वो करता है, ख़ास करके मिस्त्री हजरात इन आम ज़मींदारों को डराया हुआ है। लेकिन मेरा ख़्याल में ऐसा नहीं है कि ये पम्प कुछ गड़बड़ करता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी, बहुत अच्छा काम करता है। और आम लोग ये कहते हैं कि ये तेल ज़्यादा खाता है, मैं कहता हूँ तेल जायज़ खाता है। अगर ये ज़ोर लगाता है ना तो फिर इसका तेल खाना भी हक बनता है। अगर डेल्फी का पंप है वो बुट रहता है, इंजन बुट रहता है, तो उसने तेल भी तो इतनी का खाना है ना। अगर ये ज़ोर लगाएगा, तेल खाएगा, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैक्टर है हमारा, सीट के टायर में इंडिया के सीट के टायर हैं, 17 मॉडल है, सरगोधा का नंबर लगा हुआ है। और मंडी बहावलदीन का छत बना हुआ है, शीशे इसके हमने निकाले हुए हैं। ये आप इसकी चेसी पत्री देख सकते हैं, MF 385 82-242-07-17 मॉडल, 17 मॉडल है। ये आप इसकी कंडीशन भी देख सकते हैं। और इसके ऊपर जो म्यूज़िक सिस्टम है वो मैंने खुद लगवाया हुआ है। इसके ऊपर मेरा तकरीबन 15,000 खर्चा आया था म्यूज़िक सिस्टम पे। ये एम्पलीफायर है, उसके ये स्पीकर वगैरह हैं, और ये इसकी अंदर पिनियर कंपनी की टेप है, ये आप देख सकते हैं। और ये नीचे इसका एम्पलीफायर है। और ये हमारा 20 फुट ट्रेला है। ये 20 फुट ट्रेला है। ₹1,220 के इसके पिछले टायर और ₹920 के इसके अगले टायर हैं। ये 920 के इसके टायर हैं।